जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है, ऐसा मानना है MD मोटिवेशन के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र डोगनी का। दोस्तों, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं और महेंद्र डोगनी को ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज के इस वीडियो में मैं भी आपको महेंद्र डोगनी के संघर्ष से भरी जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे बहुत सी समस्या आने के बावजूद भी वे मेहनत करते रहे और सफल भी हुए। तो चलिए दोस्तों, MD मोटिवेशन के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र डोगनी के सफर को हम शुरू से जानते हैं। महेंद्र का जन्म आज से करीब 31 साल पहले 16 अप्रैल 1989 को मध्य प्रदेश के हरदा में हुआ था। अगर हम बात करें उनके प्राथमिक शिक्षा की, तो शुरुआती पढ़ाई उन्होंने हरदा से ही की थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, जिसकी वजह से वे 9वीं कक्षा में फेल भी हो गए थे, इसलिए उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इस सब को देखते हुए महेंद्र ने फैसला किया कि अब आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन माता पिता के जिद के कारण उन्हें काफी प्रयास करने के बाद एक सरकारी स्कूल में ये कहकर दाखिला मिला कि अगर अब वे फेल हुए तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस बात से महेंद्र काफी भावुक हुए और ठान लिया कि अब पढ़ाई के अलावा कुछ करना ही नहीं है। और उनके इस जिद के वजह से 2 साल बाद 10वीं की परीक्षा में वे न केवल पास हुए बल्कि अपने स्कूल के टॉपर भी बने। और ये सब बात उनको बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी पास अंक भी नहीं प्राप्त किया था। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और कुछ ऐसा ही महेंद्र ने भी कर दिखाया। 12वीं कक्षा पास करने के बाद उनका सिलेक्शन SBI बैंक में क्लर्क के तौर पर हो गया, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। एक दिन उनके एक शिक्षक मोटिवेशनल प्रोग्राम करने वाले थे, जिसमें वो बच्चे को ये सिखाने वाले थे कि जीवन में सफल व्यक्ति कैसे बने। इस प्रोग्राम को देखने के लिए महेंद्र सबसे ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही उनके गुरु ने उन्हें ये कहकर बाहर कर दिया कि यहाँ जो भी बात होंगी वो बहुत ऊँची लेवल की होने वाली है, जो तुम्हारे बस का नहीं है। कक्षा से निकाल दिए जाने के बाद महेंद्र खूब रोए कि उनको ऐसा क्यों बोला गया, और इसके बाद वे कभी उस इंस्टीट्यूट में गए ही नहीं, जिसके बाद वे काफ़ी उदास रहने लगे। इन सब को देखते हुए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाकर कॉल सेंटर और गैराज में काम करने लगे, और 1 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद वे घर लौट गए और अपने पिता के साथ गैराज में ही तकरीबन 2.5 साल तक काम किए। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक पढ़ाई किया और एक बार फिर से उनका सिलेक्शन सिंडिकेट नाम के बैंक में हो गया, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को भी छोड़ दिया और अपना कोचिंग खोलने का फैसला किया, जहां वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाते थे, जो कि काफ़ी सफल भी हो रहा था। इन सब को देखकर महेंद्र को ऐसा लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी रास्ते पे आ गई, लेकिन इस काम में भी मन ना लगने के कारण उन्होंने इसे भी छोड़ दिया और अपना एक यूट्यूब चैनल महेंद्र डोगनी MD मोटिवेशन के नाम से खोला, जहां आज के समय में 15 लाख से भी अधिक लोग जुड़ चुके हैं। और उस समय भारत में TikTok नाम का शॉर्ट वीडियो मेकर एप्लीकेशन खूब प्रचलित भी हो रहा था, जहां से महेंद्र लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध हुए। और आज के समय में महेंद्र डोगनी किसी पहचान के मोहताज नहीं, अपने टैलेंट के दम पर लोगों के बीच उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।